हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कंबाइन टू सेंटेंसेज। फ्रेंड्स, आज के हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं दो सेंटेंसेज को कैसे जोड़ें, जिसका नाम आप ले सकते हैं सिंथेसिस, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आप 12th क्लास में हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स, और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है द गेस्ट्स केम, फिर फुल स्टॉप है, उसके बाद से लिखा है वी सेट डाउन टू इट, मतलब गेस्ट आ गए और हम लोग बैठ गए क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए, ठीक है ना। तो गेस्ट आ गए, हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, तो दोनों काम पास्ट में है। क्या है फ्रेंड्स, दोनों काम पास्ट में, एक केम पास्ट में है और एक सेट है, सीट का वर्ब टू सेट। तो इस तरह से जब भी दो काम पास्ट में होगा तो उसको हम सेंटेंस कंबाइन करेंगे हैविंग वाला। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द गेस्ट हैविंग बीन कम वी सेट टू इट। जब भी दो सेंटेंस इस तरह के आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हैविंग बीन तो है लेकिन यहाँ गेस्ट अलग सब्जेक्ट है और वी अलग सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं जब दो सेंटेंस हो। देखिए, जब यहाँ एक सेंटेंस है और यहाँ एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट द गेस्ट है और इस सब्जेक्ट का वी है। तो इस तरह का जब भी दो सब्जेक्ट हो और एक के आने के बाद दूसरा कोई काम होता है तो उसके लिए हम हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। लिखा है आई डोंट वांट पावर, मैं पावर नहीं चाहता हूँ, और उसके बाद लिखा है आई डोंट वांट वेल्थ, मैं स्वस्थ भी नहीं रहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, डबल निगेटिव हो गया, डोंट हो गया है, यहाँ डोंट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मतलब सब्जेक्ट एक है और काम दो की बात हो रही है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे, नाइदर वाला सेंटेंस लिखेंगे। इसका मतलब आई वांट, मैं चाहता हूँ, नाइदर पावर नॉर वेल्थ, तो मैं ना तो पावर चाहता हूँ और ना ही मैं दौलत चाहता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह का आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, आपने देखा अभी। तो जब भी अगर इस तरह का डबल नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप उस सेंटेंस को नाइदर से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा है इज ही स्लीप, क्या वह सोया है, और उसके बाद लिखा है इज ही अवेक, क्या वह जगा है। तो क्या वह सोया है, क्या वह जगा है, तो दो सब्जेक्ट है इसमें लेकिन दोनों सब्जेक्ट एक ही हैं, ठीक है ना। तो उसको आइदर से बनाएंगे, जब भी कोई दो काम हो करने वाला सब्जेक्ट एक ही हो तो उस सेंटेंस को हम आइदर से बनाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में सेंटेंस थर्ड का ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आइदर वाला, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना। इज ही आइदर स्लीप और अवेक, क्या वह या तो सोया है या तो जगा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो यह कंबाइन द सेंटेंस है जो आपको बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा गया है। अब सेंटेंस नंबर फोर देखेंगे। ही वॉज फाइंड, उसको फाइन किया गया था। ही वाज एक्सपेल्ड, उसको एक्सपेल्ड कर दिया गया था। तो वाज है इसमें और इसमें भी वाज है, सब्जेक्ट दोनों कह के ही हैं, ठीक है ना। तो आप इसको बोथ एंड से ही बना सकते हैं। तो देखिए, ही वाज फाइंड एंड एक्सपेल्ड, ये भी सही है। ही वाज फाइंड और एक्सपेल्ड, ये गलत है। ही वाज फाइंड बट एक्सपेल्ड, ये भी गलत है। ही वाज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ही वॉज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड, ये भी सही है। आ ही वॉज फाइंड एंड एक्सपेल्ड, तो मतलब आपका इस सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर आपका फोर में ऑप्शन आपका ए भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जब भी अगर सेंटेंस हो, दो सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो, तो उसमें आप जानते हैं बोथ से बनाएंगे, ठीक है ना। और आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, लिखा हुआ है सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, सी फेल्ड। अब देखिए, दो पास्ट टेंस, यहाँ एक वर्कड है और सी फेल्ड, तो यहाँ हैविंग से बनाएंगे सेंटेंस, ठीक है ना फ्रेंड्स, हैविंग से बनाएंगे। हैविंग वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम कर सी फेल्ड, वह क्या हो गई, मतलब वह मूर्छित हो गई, फेल्ड, ठीक है ना। फेल्ट का मतलब हो गया मूर्छित होना, ठीक है ना। यहाँ एफ ए आई एन टी फेंट होना चाहिए, फेल्ड, तो वह मूर्छित हो गए। तो जब भी दो सेंटेंस पास्ट में होगा
तो वहाँ हम हैविंग वाला सेंटेंस बनाएंगे। बी सही नहीं होगा, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, ये हम बताएंगे बाद में, बट जो एडवर्जेटिव कंजंक्शन है इसको कैसे जोड़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे भी हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस।